स्वर्ग का आनंद ले सकते हो, पर अगर ये पांच चिन्ह नहीं है तो सजनों उस पृथ्वी पर ऊपर के आप नरक भोग रहे, नरक भोग। तो सज्जन मिलो उसी समय काल भैरव चलते हैं। काल भैरव कैसे चलते हैं? खटवांगम योग वृष्टि महिला, खटवांग को धारण किए क्रोध मुखी होकर के आज ब्रह्मा का सिर काटने के लिए जाते हैं। सजनों करनी ऐसी करना चाहिए कि भगवान की प्रीत बनो, करनी ऐसी नहीं करना चाहिए भगवान की दुश्मन बनो। जा करके पहुंचा काल भैरव और काल भैरव ने ब्रह्मा को ललकारा, ब्रह्मा तूने परमात्मा रूपी विष्णु अखल भुवनेश्वर वैकुंठ के बिहारी से झूठ बोल कर अपने चरणों में पैर रखवा दिए, अपने चरणों में सर रखवा दिए। ब्रह्मा तत्व योग वरिष्ठ रहिबा तत्रानि योगम वरिष्ठ पाताञ्जले निवर्तत्तो चरणम योग वर्तिता। समझ गया ब्रह्मा, क्रोध मुखी काल भैरव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए चलों की तरफ देखने लगा। उसी समय काल भैरव ने कहा चल देखने में काम नहीं चलेगा, भगवान शंकर ने मुझसे जो कहा है बस वही होगा। धन धन भोले नाथ कमी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती बसाए आप बसे वीरानों में। भोलेनाथ की आज्ञा को मैं टालूंगा नहीं। सजनों सिर के बालों को पकड़ा, ब्रह्मा के बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ करके अपनी खटवांग को उठाया और खटवांग को उठा करके जो मुख झूठ बोलने के लिए तैयार था उसको काटने के लिए तैयार हो गया। सजनों पर जाकर के श्री काल भैरव ने देखा कि मुझे शंकर भगवान ने ये कहा है कि झूठ बोलने वाले मुख को काटना है, झूठने बोलने वाले सिर को काटना है। अब मैं तो ये समझता था, काल भैरव ने समझाया, मैं तो ये समझता था कि ये काश सिर होगा, यहां तो चार चार सिर है, अब कहां का मुख झूठ बोला है, कहां का सिर झूठ बोला है। अगर मैंने झूठ ना बोलने वाले सिर को ना काट के दूसरे को काट दिया, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे, कहां का सिर नहीं काटा, कहां का सिर काट। उसी समय भगवान शंकर का ध्यान श्री काल भैरव ने किया है, बोले नाथ मैं तो यहां ये देख रहा हूं इसके तो चार मुख है, कहां का झूठ बोला है। भगवान शंकर ने उसी समय कहा कि हे काल भैरव, जो झूठ बोलता है, जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, जो अत्याचार करता है, उसके शरीर की क्या गति होती है? उसके गति ये है कि मुख की कांति दूर हो जाती है, पंथ पग धारई खगेशा को पंथ पग धारई खगेशा रहे न तेज बल बुद्धि विशेषा। पंथ पग धरई खगेशा रहई न तेज बल बुद्धि विशेषा। I'm
पाठ भाई। हरा हो नाथ देव मम संकट भाई राम मंगल भवन अम। मंगल भवन मंगल उमा सहित जिमी कुपंथ पग धराई खगेशा। रामायण में लिखा है जो कुपंथ में पैर रखते हैं उनके पास न तेज रहता न शक्ति रहता रहे न तेज बल और बुद्धि विशेषा बुद्धि भी नहीं रहती। तो हे काल भैरव जो चेहरा तुम्हारे लिए जो सिर जो उतरा हुआ लगे जिसका विवेक चला गया हो जिसकी बुद्धि चली गई हो जिसका ज्ञान चला गया हो उसकी रितंबरा चली गई हो उस सिर के लिए काट दे। काल भैरव ने देखा तीन सिर तो वाले सिर अच्छे पर ये उतरा हुआ है क्योंकि असत्य बोला झूठ बोला। सज्जनों कभी भी ख्याल कर लेना असत्य को धारण करने पर हमारे शरीर के अंदर सब बल चले जाते हैं। हमारे शंकर भगवान का नाम क्या है? भगवान शंकर का नाम है सत्यम शिवम और सुंदरम। क्या नाम है? जो सत्य है वो शिवम है, जो शिवम है यानी वो सुंदरम है। हर प्रकार से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मो अर्थो महालाभो यशो यशो चाम गामिना लिखा हुआ है। धर्म का अर्थ अगर कोई प्राप्त करना चाहे तो दिनों दिन धर्म करता जाए, दान करता जाए, पुण्य करता जाए, प्रताप करता जाए, दिनों दिनों धर्म दत्वा। इसमें आपके घर में धनम दिने दिने धनम दत्वा, दिनों दिन तुम्हारे घर में धन आएगा और संतोषानाम प्रदा शांति आपके घर में उत्पन्न हो जाएगी। इतने इतने धन रखवा संतोषा नाम और सजनों धीरे धीरे पाखंड को धारण करते हुए असत्य के लिए धारण करते पाखंड को धारण करते जाओ। भोगो आइए थोड़ा सा विचार करें महाभारत में। महाभारत में भीष्म पिता में का सवाल है द्रौपदी दुलारी को पकड़ लाया केसरी सभा के मजारी है तब ही पुकारी बेग दीजियो उबारी ना अहो बनवारी बस आज ही तुम्हारी है। नारी मत साड़ी है कि साड़ी मत नारी है कि नारी ही की साड़ी की साड़ी भी चिनारी है। जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था उस टाइम का तमाशा ज्यादा से ज्यादा भीष्म मैंने अपनी आंखों से या सामने 5 मिनट देखा हो, 10 मिनट देखा हो, आधे घंटा देखा हो, इतना देखा था। इसका फल कितना मिला कि 56 दिन तक सज्जनों बाणों की सैया पर पड़ा रहा। सज्जनों थोड़ा सा पाप देखने में 56 दिन तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। हम लोग 70 साल की उम्र तक पाप ही पाप देखते रहते हम कितना भोगेंगे बोली वृंदावन बिहारी राय। इतना सा कर्म करने पर दुष्कर्म करने पर इतना बड़ा फल भोगा भीष्म पितामह ने। हम जिंदगी भर पाप रूपी आंखों से संसार के लिए तकते रहते हैं, संसार के धन को हड़पते रहते हैं, संसार में रहकर के झूठ बोलते हैं। सज्जन बंधु इतना बड़ा पाप मिलेगा? एक भैया पहुंचे गुरु जी के पास। कहा गुरु जी कहा हमको दीक्षा दे दो। दक्षा लिखा है मैं दुकान लगा काय की लगा रहा हूं किराने की दुकान लगा रहा हूं जैसे दक्षा से काबरी हूं जंग कहीं अगर मैं गुड़ बेच हूं काय की पत्ती बेच शक्कर बेच हूं तो अगर कोई नए मान जा कह दो मैं मोड़ा की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मुझे घबाओ राव जब आओ तो मोड़ा मर जाए
घरवारी की सौगंध क्यों घरवारी मारे। एक मां दस्या में तुमसे ले रहा हूं कि अगर कोई अगर पूछ लगो तो का भाव है तो मैं कह दूं गुरु की सौगंध है जो जा भाव को है, मरे तो गुरु मर जा बोली वृंदावन में हाजिर हाजिर। तो सज्जन बंधु असत संत पुंजा असत रूपी का ढेर इकट्ठा होता है और एक दिन वो छोटे से बड़ा हो जाता है और बड़े से और बड़ा हो जाता है। एक दिन वो जब बड़ा हो जाता है असत्य रूपी तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म दे देता है और जन्म देने के बाद वही पुत्र धुंधकारी बन करके तुमको खा जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की क्या है, काहू नहीं सुख दुख कर दाता भुगते। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, हमारा कर्म ही हमारे लिए खा जाता है। और पाप धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं पहले पाप नहीं बढ़ता था आज बढ़ता, पहले क्यों नहीं बढ़ता। शाम को हम माताएं क्या करती थी, हम लोग क्या करते थे, शाम को लालटेन साफ करते थे, उसमें तेल भरते थे, कांच को साफ करते थे और भर करके उसको जलाते थे और सब कहते थे भैया राम राम, भैया राम राम, पांव लगाते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, माताओं को प्रणाम करते थे, राम राम कहते थे। राम राम कहने पर क्या होता, सवेरे शाम तक का जो पाप था तुलसी राखे कहती है मिक्सत पाप पहाड़, उसी समय वो पाप नष्ट हो जाते थे। आज के जमाने में सज्जनों लालटेन है नहीं, बटन दबाई बिजली जल गई, न राम है न हनुमान है, कुछ नहीं है, जैसे बिजली जल गई। और अगर नहीं आई कहा भैया बिजली का नहीं आ रही, खंबा में देखो, फलांजी का देखो, डीपी में देखो, सजनों राम नाम का राम नहीं है सजनों, तुलसी जाके कहती निक्षत पाप पहाड़, तो पाप बढ़ नहीं पाता था, पाप जहाँ के कहा रहता है। याद रखो सजनों ये विज्ञान की बिजली है और ये आग चूल्हे के अंदर जो आग वो संस्कार की अग्नि है, संस्कार की अग्नि में अगर हाथ लग जाए तो थोड़ा सा पोला होगा और विज्ञान की बिजली में अगर आग लग जाए हाथ लग जाए तो सजनों जय सिया राम। हर हर नर बने, तो इसलिए याद रखिए कि हमको संस्कार रूपी अग्नि से ज्यादा काम है और इसी अग्नि से भगवान का भजन बनता है, नाम बनता है, जीवन सुधरता है, कल्याण होता है शरीर। सज्जन बंधु काल भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, वर्दन्ते यस्यं चामिष्प्रहा, ये झूठ बोलने वाला मो ब्रह्मा जैसे विद्वान के सिर पर नहीं रह सकता। पर काल भैरव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, काल भैरव ने सोचा ब्रह्मा को भी मसल दू, ब्रह्मा को मसलने को तैयार हुए। भगवान शंकर ने कहा पहुंचना चाहिए मेरे लिए। उसी समय सज्जनों मंदार माला को डाले हुए डमरू को बजाते हुए भगवान शंकर जा रहे हैं, डमरू बजाते हुए जा रहे हैं, डमरू से क्या सुर निकल रहा है, डमरू से सज्जनों 27 सुर निकलते हैं। भगवान शंकर जब डमरू बजाते हैं तो डमरू में से 27 स्वर निकलते हैं, अयो अयो छय वरण लड़यम गढ़म जबय गढ़ दस जब गढ़ दस तब चढ़ चढ़ तब कपय सर। भगवान शंकर की डमरू से जब ये शब्द निकले अयो अयो, उसी समय काल भैरव रुक गया, काल भैरव रुक गया। भगवान शंकर के सामने रत्न देख करके काल भैरव विनम्र निवेदन करने लगे चत्वारस्तु महात्माना संभवो स्तम जाम कंटिका। सजनों दोनों हाथों को जोड़ करके श्री काल भैरव जो था
भगवान शंकर का निवेदन करते हैं। ईशाम यस्य कल्याणाम स्वाम यस्याम वस्तुते, सबका कल्याण करने वाले भोलेनाथ जो तुमने मुझे आज्ञा दी थी वो मैंने ब्रह्मा के साथ निभाया और आप दौड़ते हुए चले आए, मैं इस ब्रह्मा को नष्ट करना चाहता हूँ और तुम बचाना चाहते हो। सजनों, भगवान शंकर ने कहा मैं अपने भक्त को जितनी आज्ञा देता हूं उतना ही चाहता हूं। मैंने तुमको आज्ञा दी थी कि झूठ बोलने वाला सिर जो था वो ब्रह्मा के शरीर से अलग हो जाए, धड़ से अलग हो जाए, वो हो गया। अब इसको तुम मानना चाहते हो तो बचाना मेरा काम है, क्योंकि ब्रह्मा का निवेदन शब्द वही चल रहा था, पुकार चल रही थी, हे प्रभु अब मुझे इस काल भैरव से बचा लीजिए। शिवाम रूपाम शांति शाह, मेरे अंश से जन्मने वाले हे काल भैरव, मेरी भौं से पैदा होने वाले हे काल भैरव, तुम अपनी क्रोध को समझ लीजिए। काल भैरव बोला, महाराज हे भोलेनाथ, हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयार बंदे पवम भवानी सहितम नमामि, मेरा क्रोध शांत नहीं होता, मैं प्रयास कर रहा हूं पर क्रोध शांत नहीं होता। तो सजनों, आज के जमाने में क्रोध तो बहुत जल्दी आता है सबके लिए, पर शांत क्यों नहीं होता? क्रोध बहुत आता है सबको, आता है क्रोध, गुस्सा आती है, पर शांत क्यों नहीं होता? क्या इसलिए नहीं होता सजनों? कुछ लगत लग नहीं रही, क्रोध बढ़ता ही जाता है। घर में रोज पिता माता बहन सब क्रोध आता है। एक भैया बोले कि हमारे लिए क्रोध गुस्सा बहुत आती है, तो वे क्या करें कि हमारा क्रोध शांत होना चाहिए। तो सामने वाला बोला, भैया जब तुम्हारे लिए क्रोध आए उस टाइम पर तुम एक 10 का नोट निकाल के बगल वाले को दे दो, फिर जब क्रोध आए फिर 10 को दे दो, जब क्रोध आए जब 10 को दे दो, जब क्रोध आए जब 10 को दे दो। शाम को तुम देखोगे कि क्रोध तुम्हें 10 बार आया और 100 रुपया चले गए, विचार करोगे कि ऐसे क्रोध कोई काम क्यों नहीं है सज्जन बंधो, कि मैं 100 रुपये दिन भर में जाए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्रोध जो होता है वो हमारे बस का होता है, इसलिए उस पर कुछ लगता लह नहीं है, इसलिए पड़ता जाता है। तो काल भैरव ने कहा मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो सज्जनों, जब भगवान शंकर ने उसी समय कृपा की, क्या दिया? भगवान शंकर ने कृपा पात्र रूपी हाथ के लिए और जो काल भैरव के ऊपर घुमाया, उसी समय काल भैरव शांत हो गया। क्यों सज्जनों, ऐसा क्यों हुआ? देवताओं का हाथ सर पर अगर आ जाए तो क्रोध शांत क्यों होता है? लोभ क्यों शांत होता है? मोह क्यों शांत होता है? द्रोह क्यों शांत होता है? आइए प्रसंग लीजिए, हर चीज का प्रसंग आपके सामने है। सुग्रीव के लिए बाली ने बहुत मारा, अति मारा, हाथ पांव तोड़ दिए। सुग्रीव आया कि प्रभु तुमने मेरे लिए भिजवा दिया बाली के पास, बाली ने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ पांव टूट गए। तो कहा सुग्रीव, भगवान राम बोले सुग्रीव चिंता मत करो, कि कहो चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगी, जो होना हो तब तुम्हारा दूर में कर देता हूँ। कैसे? भगवान राम ने उसी समय अपना हाथ जो सुग्रीव के ऊपर रखा, कर पर सासु ग्रीव शरीरा तनु बाहुस भई समीरा, पर सासु ग्रीव शरीरा तन भाकुल, शरीर का जितना भी दुख था वो सब निकल गया।
सजनों हाथ क्या है, मनुष्य के पास सबसे बड़ी संपत्ति हाथ है। विचार करिए जी, हाथ में पहले उंगली होती है, छिंगली जिसको कहते हैं, है ना। इसको एक अभिमान है कि मुद्री पहनती हूं। क्या पहनती हूं? मुद्रिका पहनती हूं। और दूसरे नंबर की अभिमान जो उंगली है ना, उसको अभिमान है कि भगवान को चंदन लगाती हूँ, मेरे यहाँ से चंदन लगता है मेरी उंगली से। और तीसरे नंबर की है उसको अभिमान है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। और चौथे नंबर की है वो कहती है मैं सबको डांट देती हूँ। और पांचवे नंबर को है नहीं माने तो हमरे गोरी वृंदावन बिहारी लाल की जी। और अगर पांचइयों के लिए सजनों इकट्ठा कर दिया जाए, पांचई इकट्ठी हो जाए तो मुष्टिका एक महाकपि है, रुधिर बमत धरती जी ने एक मुष्टिका में छलमली कर दी सी लंकनी को। तो सज्जन विचार करो, हाथ जो है मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। कर्म, धर्म, नीति, स्वभाव, प्रमाण, चरित्र, श्रेय सब हाथ में भरा हुआ है। दानव प्रसंगो मधुरा जवानी, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के शरीर को अगर श्रेय अगर देता है तो हाथ ही देता है। हाथ बहुत बड़ी चीज है। देखिए एक बार दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ, बुराई हुई, ब्रह्मा जी ने कहा आज देवता और दैत्य दोनों का निमंत्रण हमारे घर में है। बुला लिया, पर देवता और दैत्य एक बात सुनो, हमारे घर का भोजन जब होगा कि टहनी मुड़ना नहीं चाहिए और भोजन पालो। विचार करना सजनो, टहनी मुड़ना नहीं चाहिए और भोजन हो जाए मुंह में पहुंच जाए। पहले दैत्यों को, दैत्यों से कहा, दैत्यों ने कहा पहले भोजन हम करें, दैत्यों को भोजन परस दिया। अब सजनों जब तक कौर उठाओगे मुंह में नहीं दोगे, टहनी नहीं दबेगी जब तक जाएगा। दैत्यों ने कहा साहब हम तो हार गए, हमसे कौर नहीं जाए हमें। ब्रह्मा जी बोले क्यों भैया तुम भोजन नहीं कर पा रहे? कहने अभी टहनी दबा नहीं पा रहे, टहनी दबे जब भोजन हो। अब कहा देवताओं के भोजन होंगे। देवता एक के सामने एक बैठ गए, एक के सामने एक बैठ गए। सामने पत्तल पड़ी है और देवताओं के सामने पत्ती पड़ी, एक देवता के सामने पत्तल पड़ी, सामने पड़ी है, दोनों आमने सामने पत्तल पड़ी है। सामने वाले देवता की पत्तल से कौर उठाया और कौर सामने वाले को दे दिया, और यहां से कौर उठाया सामने वाले को दे दिया, पूरे देवता पर गए। कहीं जीत किसकी हुई? ब्रह्मा जी बोले जीत हो गई तो सजनों हाथ जो होता है, हाथ कमाल का होता है, श्रेय और चरित्र का निर्माण करता है। और सजनों हाथ के द्वारा ही संसार के अंदर उदय काल की स्थिति में मनुष्य सर्व प्रकेश से सर्वेष्ठ बन जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज रक्षा करो, शरण याची अंत हम सेव को अनुग्रियता, काल भैरव ने मेरे सिर को तोड़ा दिया पर शरीर को ना उड़ा पाए, इसलिए रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा रक्षाम देही, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अगर संसार के अंदर कोई देव का महादेव है तो सजनों शत्रु की रक्षा भी कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, सब देव हैं, भगवान शंकर महादेव क्यों?
सब देव है, ये महादेव है। सबने पूछा, देवता लोगों ने पूछा, तुम महादेव क्यों? हम देव क्यों हैं? तो सज्जनों बहुत अच्छी बात आई कि जब शंकर भगवान की बारात चली, विचार करना, शंकर भगवान की जब बारात चली तो बारात में देवताओं की नारियों ने कहा, ऐसा दूल्हा संसार में दूसरा नहीं हो सकता। जी कहा, पढ़ा होगा आपको, देवताओं ने भी ये कहा कि जस दूल्हा जस बनी बराता, जैसे दूल्हा देवते वैसे उनकी बारात भी थी, चोर भूत प्रेत पिशाच सब उनके साथ में थे। जाकर के पहुंच गए मैना के दरबार में, हिमाचल के दरबार में, तो मैना उस समय परीक्षण करने के लिए आई, परीक्षण आने परीक्षण करने के लिए आई। क्यों? सास का धर्म है कि जब हमारा दामाद जब बारात लेकर के आता है तो काजल तो कहीं बिगड़ ना गया हो, भूखा हो प्यासा हो, उसका सम्मान करती है। इसलिए मैं ना सखियों के साथ थाली सजा करके आया दूल्हा का परिचय करने के लिए। मैना ने देखा पहले दरबार में ब्रह्मा जी बैठे थे पहले अपने पार्षदों को लेकर, बोले दूल्हा तो बूढ़ा। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोले माता जी हम नहीं है कुछ, और फिर और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े तो विष्णु भगवान को देखा, मैना बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे लिए सुंदर दामाद मिला। तत्र नारायणम देवम शुक्रवर्णम चतुर्भुजम, इतना सुंदर दामाद मिला। हाथ जोड़ करके मैया हम नहीं है, और की और आगे बढ़ो। जो शंकर भगवान को देखा विकट भेष जब रुद्र ही देखा, सज्जनों हाथ की थाली गिर गई और मुंह में गाली आ गई। सबने साथ के बोले देवता लोग, ये बोले ना सुंदर बदलो, जब सारी गाड़ी भी दे रही है तुम्हारी सास और थाली भी फेंक रही है। धन्य है भोले रात ने कहा, मेरी सास कभी थाली नहीं फेंक सकती, मेरी सास मुझे गाली कभी दे नहीं सकती, ये तो ब्याह का लेग लगता है थाली फेंकना और गाली देना। बोली शंकर भगवान की जय, भगवान शंकर ने प्रसन्न धारण कर ली। तो जब बारात लेकर के जब भगवान शंकर पार्वती के लिए लेकर के पहुंचे, उस टाइम पर पूछा कि तुम देव हो, हम देव हैं सब, तुम महादेव हो, तो कहा इसलिए महादेव इनके लिए माना गया कि संसार के अंदर इतना अनादर कोई नहीं सह सकता जितना अनादर भगवान शंकर ने सहा, इसलिए वो देवों में महादेव। कहा भी है भांग को पीता धतूरे को चबा लेता है और जहर खुद पीता है जहरों को दबा देता है। रह के मरघट में भी घटघट का मजा लेता है और लहर जब आए तो घूंघट का मजा लेता है। जिसको खिलाता है तो जिंदगी भर खाता है और जिसे तरसाता है तो पानी को तरस जाता है। खाक से प्यार कंचन का तलबगार नहीं, लेने देने में तेरा काम भी उधार नहीं। जिसे देता है तो ढेरों के ढेर देता है और जिसकी लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। दरबार पर जो भी जाता है भगवान शंकर कभी किसी को मना नहीं करता। आज वह भोलेनाथ ने कृपा कर दी ब्रह्मा के ऊपर और ब्रह्मा के लिए बचा लिया। बोले ब्रह्मा तुमने पापाचार किया है, अत्याचार किया है, दुराचार किया है, क्यों? का जगदात्मा मां विष्णु के सिर के लिए तुमने अपने चरणों पर रखवा दिया, ये तो झूठ बोल कर, इसलिए इसका प्राश्चित ये है। कहा क्या है? कहा इसका प्राश्चित ये है कि तुम संसार में परकम्मा करिए, तीन परकम्मा लगा और संसार की तीन परकम्मा को लगा करके हर गंगा छपरा पृथ्वती महासुरी ख्याताम त्यागल की पूर्णाम पूजने सुख सीता प्रिया सदा मंगलम समस्त तीर्थों में जाकर के तप करिए, जप करिए। और सज्जन बिंदु जिस जगह पर जाकर कि तुम्हारा जो पाप नष्ट हो जाए, पापाचार नष्ट हो जाए, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे मध्य हृदय में जिस समय
भगवान विष्णु उषा लक्ष्मी के सहित तुमको दर्शन दे दे, उस टाइम पर समझ जाना कि तुम्हारा पाप नष्ट हो चुका है। सज्जन बंधु, ब्रह्मा उसी समय सिर को झुका करके अपने पापों को नष्ट करने के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। समस्त तीर्थों में जाकर के पहुंचे, महातीर्थों में पहुंचे, गंगा में जाते हैं, क्षिप्रा वेदवती में जाते हैं, महाश्वर नदियों में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं, सब जगह पर तप का। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब होता है तपना। आपने देखा होगा कि कुम्हार जो होता है वो कच्ची ईंट बनाता है। अगर कच्ची ईंट के लिए दीवार से लगा दिया जाए तो पानी गिरने पर वो घुल जाता है, और अगर सज्जनों उन्हीं ईंटों के लिए भट्टे में रख करके पका करके वो पानी में रखी रहने दे तो सज्जनों वो पानी उसका कुछ नहीं कर सकता, वो तपी हुई ईंट है। इसी प्रकार से देही को तपाना बड़ा कठिन है। हर माता एक पुत्र को जन्म देती है, जन्म देती है, और वो मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है। कोई माता किसी जुआड़ी को, मूर्ख को, दुष्ट को जन्म दे दे पर वो मनुष्य ही कहलाएगा। पर सजनों, उसको मानव जीवन को पाने के पश्चात अगर अपना तपसीर बना करके संसार में उदयकालीन स्थिति में वो चलने वाला अगर बन जाए तो सजनों ये याद रखिए कि उसको मानवता प्राप्त करना पड़ेगा, चत्रवान बनना पड़ेगा। जब तक शरीर में मानवता नहीं आती जब तक मनुष्य की कोई कीमत नहीं होगी। हमने छठनी की संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा होगा, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीरम न गुणो न धर्मो ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, न विद्या है, न तप है, न जप है, न पूजा है, न पाठ है, कुछ नहीं है, मनुष्य रूप है। वो तो मनुष्य का रूप लेकर के मृगों के समान जी रहा है। इसलिए मानव जीवन में मानवता आना चाहिए। जहाँ मानवता अगर आ जाती है सज्जन बिंदु, वहां पर सर्व प्रेष्ठ से मनुष्य चंद्रमान बनकर के जिंदगी का गुजारा बन जाता है। सज्जन बिंदु, बहुत अच्छी बात है। देखो
चादर बेटे चादर रोज घर जाए सुपंत के रास्ता को त्याग करके जो कुपंत को धारण कर लेता है वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्म जाना, ब्रह्मा उसी समय तीर्थाटन करने लगा, तप करने लगा, जप करने लगा, भजन करने लगा, हर तीर्थों में मुक्त होने लगा। धीरे धीरे सज्जनों नर्मदा के किनारे आया और नर्मदा के किनारे आने के बाद सज्जनों जैसे ही ये ब्रह्मांड घाट में आया, बात दूर की नहीं है, पुराण में पास की है, पर परिभाषा को समझना पड़ता है। जैसे ही ब्रह्मांड घाट में आया उसी समय सद्धारा के ऊपर तप जल किया, उसी समय अपने हृदय में भगवान विष्णु और लक्ष्मी के सहित उसने दर्शन किए। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो अपने शरीर में भगवान विष्णु को पाया, लक्ष्मी को पाया, श्री चते लक्ष्मी चपद्याम बहोरात्र पास में नक्षत्राण रूप मश्विरुव्यातम, उसी समय जिनके दर्शन जब किए, दर्शन करने पर पाप से मुक्त हो जाता है और शरीर से धुआं बन करके पाप निकल जाता है। एक बात जरूर याद रखे सज्जन मंडलो कि संसार में असत्य के समान कोई पूजी नहीं है। असत्य के समान कोई पूजी नहीं, क्यों नहीं, ऐसा क्यों लिखा पूजी क्यों नहीं? असत्यता से आप बहुत पूजी जोड़ सकते हो, पैसा जोड़ सकते हो, धन जोड़ सकते हो, पर जिसमें सत्यता रूपी प्रमाण नहीं है वो संपत्ति आपकी देखने के लिए आई है परंतु वो बहुत ही जल्दी चली जाएगी। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, इसके समान कोई पाप नहीं है। असत्यता को धारण करने वाले ब्रह्मा ने झूठ बोल करके भगवान विष्णु का सिर अपने चरणों पर रखा लिया था। इसका कारण यही कारण बना कि नाना प्रकार से जिनके चतुर्मुखी ब्रह्मा कहलाता था, ब्रह्मा वेद का पाठी कहलाता था, ब्रह्मा ब्रह्मलोक का मालिक कहलाता था, ब्रह्मा विवेक और बुद्धि का सागर कहलाता था, आज अपनी सर्वेष्ठ नाश करने के पश्चात प्रतिष्ठित जिनके सिर को जब काटा गया वह सिर घूमता है और वह सिर घूम करके महाक्षेत्र में पहुंचता है। और सज्जन बंधु वह महाक्षेत्र में पहुंच जाने की बात शंकर भगवान ने इसको इतनी कृपा की है कि इसके सिर के लिए सज्जनों बुला करके और अपनी 108 रूपी माला में 108 रूपी माला श्री रुद्राक्ष में इसको सुमेर बना करके रखा। बोलिए श्री शंकर भगवान। दूसरा सज्जनों, जिस क्षेत्र में ब्रह्मा का एक मंदिर है उस महामंदिर में हलवा का प्रसाद मिलता है, उस हलवा के लिए अगर जो पा लेता है उसकी बुद्धि दूर हो जाए, उसकी कुबुद्धि दूर होती है, दूर बुद्धि आती है, विवेक आता है, ज्ञान आ जाता है, जागृति आ जाती है, उसके घर में धर्मांतता की एक लहर फैल जाती है। बोलिए श्री शिव पुराण महा उमापति महादेवी की जय। सज्जन बंधु समय के अनुसार
आपने जो समय दिया है उस समय के अनुसार ठीक 5 बजे तक कथा है, वो समय आपका हो चुका है। अगर आप हमारी ना मानो तो घड़ी देख लो। ये बात हमको इसलिए कहना पड़ता है कि हम पास ही के रहने वाले हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अपनी घड़ी देख करके विचार करें कि 5 बज गए अथवा नहीं बज गए। तो अब आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, प्रसाद वितरण होगा। इसके साथ हमारा सुंदर एक भजन सुनिए आप संगीतज्ञ से, और इसके बाद कथा का प्रारंभ। विचार नहीं, ऐसा विचार मत करो जो कह चुके ने हमसे आके, हमसे कहो आके, अलग अलग मत करो, हमसे आके कहो। सुनो, हम कोई बनारस से आए नहीं, हम बहुत छोटा से आए, रात दिन हमारे बार में चारों तुम्हारे गाँव में मांगो खाओ। असल में बात ये थी कि 5 बजे तक का जो समय दिया था वो मैंने कथा के लिए पूर्ण कर दिया, नहीं तो कथा का विस्तार अगर बढ़ा तो आधा घंटा और चल जाती, और अगर हमें कहो तो आधा घंटा और चल जाएगा। नहीं, अभी कहो तो और ही बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, अपन तो घर के ही सब लोग, हमको कोई समस्या, बैठे आसन में बैठे, बढ़िया भजन सुनो। Oh,
महावि महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आवाज हाँ सजनो आवाज बनाओ जा किया। हाँ सजनो कल से व्यास गादी से ये आप लोगों का आमंत्रण निमंत्रण जो है वो 5:30 बजे तक कथा होगी, इसलिए आप समय से आ जाएं। सीताराम 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 कहिए, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। हम भजन करवा रहे हैं पर भजन करने में कुछ लोग तो भजन कर रहे हैं और कुछ लोग बोल नहीं रहे। देखो आपकी आशा तो सुधर गई, आपकी भाषा तो सुधर गई, पर बाइये कुछ जो है वो भगवान को नाम बिल्कुल कम से ले कम ले रही है। कायदा से बिल्कुल सुधारो, भाईचारे बहुत भाई है जितनी यहाँ आज सीताराम को भजन नहीं कर पा रहे। काय नहीं कर पा रहे, एक बार जंगल में हम पुराने कर्मी के लाने गए देलाकारी डेरा खाली या भय पुराण कर्मे के लाने गए तो वहाँ की कुछ बाइयाँ जो है ज़्यादा ग्रेजुएट है यानी पढ़ी लिखी ज़्यादा है। तो हमें भगवान को भजन करवा रहे राम राम करो राम राम कहो तो सभी तो बाइयाँ भजन कर रही पर एक बाई राम राम नहीं कह रही। उनकी कहा भाई तुम राम राम कहा नहीं कह रही,
कई गुरु जी हम परवस में नहीं कह रहेगी काय क्या जो मोड़ा सामने बैठो है नहीं जाके बाप का नाम राम लाल होते हमारा हम राम राम नहीं कह पा रहे वृंदावन जिंदगी की डोर शोभ हाथ दीनानाथ के Yeah.
हृदय भवम भवाने सहतम प्रभावे मंदार वाला कुलताल काए कृपाल माला सब संकर दिगंबराय चदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर् सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्म महादेव देवताओं की जय हो नर्मदा मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो महादेव महाराज की जय हो अन्नपूर्णा महादेवी की जय हो हर हर नर्मदे सभी कभी कभी अपने स्थान पर बैठे और आरती एवं प्रसाद के लिए अपने हर बजाए जाए भक्तों का तो दिल
बोलिए शंकर भगवान की। Thank you.
शंकर भगवान की।